आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी हिस्टोरिक पीरियड। ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इन द कोर्स ऑफ टाइम न्यू स्टोन एज कल्चर्स गेव राइज टू अर्ली सिविलाइजेशंस, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ड्यू टू वेरियस स्किल्स, द यूज ऑफ व्हील्स, फ्लरिशिंग ट्रेड, यूज ऑफ वेल डेवलप्ड स्क्रिप्ट्स एटसेट्रा वर द मेजर फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द राइज ऑफ द अर्ली सिविलाइजेशन। दिस सिविलाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन रफली द same period that is around 3000 BC in four regions of the world. They are Mesopotamia, Egypt, the Indian subcontinent and China. The civilization in these four regions developed in river valleys, hence they are known as riverine civilization. ठीक है, तो न्यू स्टोन एज कल्चर्स में जो राइज हुआ था क्या था, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, यूज ऑफ विल्स, वेल स्क्रिप्टेड आपके स्क्रिप्ट, ठीक है। और इसमें ये दिखा रहे हैं जो ये सिविलाइजेशन था केम इनटू कौन से पीरियड है, अराउंड 3000 बीसी, ठीक है। और फोर रीजन में हुआ, वो है मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड चाइना, ठीक है। और ये जितने चारों सिविलाइजेशन है ना, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, चाइना, ये कहाँ पर डेवलप हुए, वैलीज के अराउंड, ठीक है, रिवर वैलीज पे। तो इसलिए उनको बोला गया रिवराइन सिविलाइजेशन। इसका लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको मैप पे भी बताया है, कि एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ इस पे, कि यहाँ पे आप देखोगे ना इजिप्ट, मेसोपोटामिया, हरप्पन सिविलाइजेशन एंड चाइना, ठीक है, ये रिवर्स के पास में डेवलप हुए हैं ना, तो इसलिए इनको बोला रिवराइन सिविलाइजेशन। 10.3 एंशियंट रिवराइन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना एंड हरप्पा। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया इज द नेम ऑफ अ रीजन एंड नॉट ऑफ एनी कंट्री। जो मेसोपोटामिया के फर्स्ट के बारे में हम सिविलाइजेशन का पढ़ेंगे, तो इसका जो ये है ना, ये कोई कंट्री नहीं है, ये एक रीजन है। इट मींस द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। एंशियंट मेसोपोटामिया वाज द लैंड बिटवीन टू रिवर्स, टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस। अब देखो ये जो मेसोपोटामिया है ना, इसका मतलब क्या है कि ये लैंड है बिटवीन टू रिवर्स के। मेसोपोटामिया एक लैंड है बिटवीन टू रिवर्स, तो पहला वाला है टिग्रिस और दूसरा रिवर का नाम है यूफ्रेटिस, ठीक है, ईस्ट आइलैंड है। दिस टू रिवर्स मेनली फ्लो फ्रॉम टर्की, सीरिया एंड इराक। तो देखो टिग्रिस और यूफ्रेट्स जो फ्लो करते हैं कहां से करते हैं, टर्की, सीरिया एंड इराक। एंशियंट मेसोपोटामिया हैड ग्रेट सिटीज लाइक उर, उरुक, निपुर एटसेट्रा। दिस सिटीज वेर होम टू वेरियस प्रॉस्परस कल्चर्स, ठीक है। अब देखो इसमें जो एंशियंट मेसोपोटामिया था उसमें से ग्रेट सिटीज थी कौन सी थी, उर, उरुक, निपुर एटसेट्रा, ठीक है। दिस सिटीज वेर होम टू वेरियस प्रॉस्परस कल्चर। यहाँ पर जो ये सिटीज थी जो मैंने आपको नाम बताया, यहाँ पे भोजन का जो कल्चर था बहुत अच्छा था, ठीक है। Then second civilization जो हम पढ़ेंगे वो है इजिप्ट। इजिप्ट द रिवर नाइल फ्लोज थ्रू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट, है ना, आपने सुना होगा ना रिवर नाइल बहुत ज्यादा नाम सुना होगा, तो वो कहां पर है, इजिप्ट में, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट में। इन द नॉर्थ ऑफ अफ्रीका वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अलोंग इट्स बैंक, इट इज नोन एज इजिप्टियन सिविलाइजेशन, इसलिए इसको बोलते हैं इजिप्टियन सिविलाइजेशन। द नाइल गेट्स फ्लडेड एवरी ईयर, ठीक है, देखो जो नाइल रिवर है वो हर साल फ्लडेड हो जाता है, मीन हमेशा उसमें पानी भर जाता है ज्यादा। द लैंड अलोंग हर बैंक्स हैज बिकम वेरी फर्टाइल बिकॉज ऑफ द फ्लड डिपॉजिट्स। अब देखो उसका जो वहां का जो लैंड है ना वो फर्टाइल है, मैंने आपको कितनी बार बोला है ना, फर्टाइल मतलब उपजाऊ, फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ मिट्टी और फर्टाइल लैंड, जहाँ पे से कि आप कुछ भी अगर वहां पे क्रॉप ग्रो करेंगे उस लैंड पे तो अच्छे से ग्रो होगा, ठीक है। Also ancient Egyptian used to build small embankments on the river to store flooded waters. अब देखो ये small embankments बनाते थे, जो flood water होता है ना, extra water जो होता है, तो river Nile में तो already water है ही है, लेकिन वो हर साल flooded हो जाता है, ठीक है, और जब उसका जो extra पानी वो लोग save करके रखते थे, छोटे छोटे embankments बनाते थे जिसमें कि वो जो flooded water है उसको store कर सके। After the soil in the flood water settled to the bottom, the water was used for irrigation. अब देखो जब flooded water है तो मट्टी वट्टी सब उसमें जमा होगी, उसके बाद में जैसे ही वो पानी स्टोर हो जाता था उसके बाद नीचे मट्टी सेटल हो जाती थी और ऊपर का जो वाटर होता था ना उसको इरीगेशन के लिए यूज करते थे अपने एग्रीकल्चर। इरीगेशन मतलब जो वाटर स्प्रिंकल करते हैं ना अपने वो लोग लैंड पे, उसको बोलते हैं इरीगेशन। Now next is China. The ancient civilization of China developed and flourished in the valleys of Huanghe River. अब देखो जो China है ना इसका जो develop और flourished हुआ कौन सा river बताया इन्होंने, Huanghe, ठीक है। According to the Chinese tradition, a king named Huanghe introduced agriculture, animal husbandry, wheel carts and chariots, boats and clothing in China. अब देखो जो China के king है ना उनका जो ट्रेडिशन उन्होंने माना अकॉर्डिंग टू चाइनास के लोगों, चाइनीज के ट्रेडिशन के हिसाब से उनके जो किंग थे हुआंगडी है ना, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्या क्या, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, व्हील कार्ट्स, चैरियट्स, बोट्स, क्लोथिंग इन चाइना। चाइनीज पीपल बिलीव दैट हिज क्वीन इन्वेंटेड द टेक्निक ऑफ सिल्क प्रोडक्शन एंड सिल्क डाइन, ठीक है। उनकी जो वहां के लोगों का कहना है कि जो उनकी क्वीन थी, मीन्स उनकी जो वाइफ थी, है ना, किंग है तो क्वीन उसकी वाइफ हुई ना,
तो उसके हिसाब से उन्होंने सिल्क प्रोडक्शन शुरू किया और सिल्क डाइंग यानी जो कलर किया जाता है ना उसको डाइंग। लुआंग, बीजिंग एंड चांगयांग वेर अमंग द इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ एंशियंट चाइना। अब देखो तीन सिटी है ये आपको याद रखनी है, लुआंग, बीजिंग एंड चांगयांग, ठीक है, ये वहां की फेमस सिटीज आप बोल सकते हो। The earliest civilization on the Indian subcontinent is known as the Harappan civilization. ये कहाँ पर है? Indian subcontinent, ठीक है? It flourished in the Indus Valley. Indus is the English word for the name Sindhu, ठीक है? ये जो English name है, कौन सा? Indus, ठीक है? किसके लिए? Sindhu River के लिए. Harappa in Punjab and Mohenjo-daro in Sindh are two cities of Harappan civilization. अब देखो ये आपको याद रखना है, एक पंजाब एंड Mohenjo-daro in Sindh at two cities, ठीक है? For Harappan civilization to be discovered first, now they are in Pakistan, ठीक है? पहले ये अपने इंडिया में थे, ठीक है? और अभी ये किधर हैं? पाकिस्तान। Lothal and Dholavira in Gujarat and Kalibangan in Rajasthan are among the famous cities of Harappan civilization in India. Cities of this civilization are well known for their systematic town planning. The houses were built in blocks created by parallel road that crossed each other at right angles. अब देखो इसको इस सिटीज में जो है ना हरप्पन सिविलाइजेशन का जो सबसे ज्यादा फेमस है ना कि इनकी जो टाउन प्लानिंग थी यानी इधर जो लोग रहते थे जो उन्होंने घर बनाए थे वो इतने सिस्टमैटिक होते थे कि जो उनके रोड थे ना पैरेलल नाम तो मालूम होगा आपने मैथ्स में पढ़ा होगा एकदम स्ट्रेट जा रहे है ना तो कहीं पे भी अगर आप उनकी जो होते ना टर्निंग आएगी वो राइट एंगल ही बनेगा उसका ठीक है राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री पे। ह्यूज ग्रेनरीज एंड स्पेशियस हाउसेस वेयर द स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस सिटीज ठीक है उनके जो घर थे वो बोलते ना काफी जगह बड़े थे और सामान रखने के लिए स्टोरेज के लिए भी थे। देयर वर बाथरूम्स एंड लैट्रिन्स इन एवरी हाउस एंड अ कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम व्हिच इंडिकेट्स अ कंसर्न फॉर पब्लिक हाइजीन। अब देखो आज की तारीख में आज के फ्लैटों में भी बाथरूम्स हैं लैट्रिन्स हैं ठीक है और कहीं कहीं तो ड्रेनेज सिस्टम का आपने देखा ना गटर्स भर जाते हैं जब ये बारिश आती है तब आप देखते हो कि गटर फुल हो जाते हैं और कितना गंदा हो जाता है लेकिन यहाँ हरप्पन सिविलाइजेशन में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। देयर वर carefully constructed private and public wells, ठीक है? Private wells भी थे वहाँ पे और public wells भी थे। The cities were divided into 2 to 4 parts with a separate fortification. अब जो उनकी cities थी ना 2 to 4 parts उन्होंने अपने हिसाब से divide की थी वो उनको ज्यादा better मालूम होगा वो किस हिसाब से की थी इतना है आपको इतना याद रखना 2 to 4 parts में city को divide किया गया था। तो ये lesson काफी बड़ा है इस lecture को मैं यही stop करती हूँ मिलते हैं next lecture में। Video अच्छा लगा हो तो video को like करिएगा share करिएगा। Thank you.